हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक जनवरी सूर्य दिवस पर इस प्रकार का पोस्टर एडिट करना। तो दोस्तों, इस प्रकार का पोस्टर बनाने के लिए हमें एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सल एब एप्स है। पिक्सल एब एप्स को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद पिक्सल एब एप्स को इसी तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद न्यू टेज को डिलीट कर देना है दोस्तों। डिलीट करने के बाद एक कॉर्नर से दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस तरह से टैप करने के बाद फ्रॉम गैलरी में चले जाना है दोस्तों। इस तरह से फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद मैं उस इमेज को ले लूँगा जिसे मैंने पहले से बना कर रखा है दोस्तों। फिर यहाँ से ओके कर देना है, फिर यहाँ से राइट कर देना है दोस्तों। दोस्तों, इस इमेज की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी उसके पासवर्ड लगे हुए हैं जो वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से ऐड करने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर, यहाँ ऊपर ही प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और फिर फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद जिसका भी इसे फ़ोटो हम रखना चाहते हैं उसे इस तरह से ऐड कर लेना है दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं फिलहाल हमारे देख साहब का फ़ोटो ये वाला ले रहा हूँ दोस्तों, वो यहाँ से राइट कर देना है दोस्तों। इसके बाद और इस बिंदु पर टैप करके छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लेना है दोस्तों। और इसे इस तरह एडजस्ट कर देना है दोस्तों। अगर आप इसे इधर उधर करना चाहते हैं तो इस पोजीशन पर टैप करना है दोस्तों और इसको एक से कम करके इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद लॉक वाला आइकन में टैप करना है दोस्तों कॉर्नर पर और इसके लॉक लगा देना है। और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जिसका भी फोटो रखेंगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है दोस्तों। इसके लिए प्लस वाला आइकन पर टैप करना है और टेक्स्ट पर टैप करके इस टेक्स्ट को यहाँ ले आएंगे और नीचे ये वाले पर टैप करके इस तरह से और एडिट पर टैप करना है दोस्तों। एडिट पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो भी अपना नाम है, जिसका भी हमें फोटो रखा है उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। नाम लिखने के बाद यहाँ से ओके कर देना है दोस्तों और इसका कलर चेंज करेंगे इस तरह से कलर पे टैप करके और यहाँ से राइट कर देना है दोस्तों। इसके बाद फ्रंट में जाएंगे और इसका फ्रंट जो आपको अच्छा लगे वो फ्रंट यूज कर लेना है दोस्तों। फिर यहाँ से ओके कर देना है दोस्तों। इसके बाद अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेना है दोस्तों और यहाँ अपने सोशल मीडिया की लिंक यहाँ पे लगा देना है। तो इसके लिए प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, फिर से टेक्स्ट पे टैप करके और इस टेक्स्ट को यहाँ ले आएंगे और फिर एडिट पे टैप करना है इस तरह से। और जो भी आपका सोशल मीडिया पे नाम है वो नाम लिख देना है इस तरह से। फिर यहाँ से ओके कर देना है दोस्तों। इसके बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे
अपने जो व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर है वो लिख देना है दोस्तों। इसके लिए प्लस वाले आइकन पे टैप करना है और फिर टेक्स्ट पे टैप करके जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो इस तरह से लिख देना है दोस्तों, एडिट पे टैप करके। फिर ओके कर देना है दोस्तों। इसके बाद ये हमारा इमेज बनके तैयार हो गया दोस्तों। इसको सेव करने के लिए जो शेयर वाला ऑप्शन है ऊपर, इस पर टैप करना है दोस्तों और इस डिफॉल्ट की जगह अल्ट्रा यूज कर लेना है दोस्तों और फिर सेव टू गैलरी। इस तरह से ये हमारी गैलरी में सेव हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।